हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट जो फार्माकोलॉजी है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, जो आपका फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, जितना भी उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन होगा उनके बारे में बात करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों, जितना हम आपको फार्माकोलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी चैप्टर वाइज बता रहे हैं, उतना आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे और आपका सिलेबस भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपका फार्माकोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देंगे तो आप अपने सिलेबस के अंदर टिक लगा लेंगे। उसके बाद उन्हीं टॉपिक को लगातार आप एग्ज़ाम तक पढ़ते रहेंगे और मल्टीपल चॉइस की प्रिपरेशन लगातार हम स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे आपको मल्टीपल चॉइस वाली जो है वीडियो मिलती रहेगी और आपका एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। और फार्माकोलॉजी का जितना भी आपका सिलेबस है हमने वीडियोस में अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं कि फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसके अंदर कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में यानी हर बार आता है। तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ लेना है एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और उसके बाद डिस्कस जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है। और साथ में आपको डिफाइन एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कौन कौन से फैक्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन को यानी अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर फर्स्ट चैप्टर में ही आपका जो है, यानी क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत बड़ा है तो उसके बारे में यानी अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों क्या पता आपका क्वेश्चन ना फंसे। तो दोस्तों, एक्सप्लेन इन डिटेल एडीएमई, मतलब आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है और उसके बाद मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, मतलब आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पर। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी पूछ लेता है डिफाइन एडीएमई, शॉर्ट में पूछ लेता है, तो आपको लगभग एक पेज का इसको डिफाइन कर देना होता है कि एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होती है। और ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक को डिफाइन करिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। फिर बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है और स्कोप के बारे में पढ़ लेना है, शॉर्ट में पूछ लेता है फर्स्ट चैप्टर से। और ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना है, बायो अवेलेबिलिटी एंड इट्स फैक्टर, यानी बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है और इसके फैक्टर के बारे में बात करना है। तो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर से यानी जो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन क्वेश्चन को आप तैयार करते चलिए, लगभग 2.5 से 3 पेज का लॉन्ग जो है तैयार करते चलेंगे, आप अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर जो आपका चैप्टर नंबर सेकेंड है फार्माकोलॉजी के अंदर, उसमें भी बहुत ज़्यादा टॉपिक दिए गए हैं। तो उसमें आपको एक तो पढ़ना है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक के बारे में पढ़ लेना है, और जो आपके न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं इनके बारे में पढ़ लेना है। तो इसके अंदर लगभग 4 से 5 टॉपिक आपको पढ़ लेना है, यानी एक बार उनका क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। चैप्टर नंबर जो थर्ड है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, तो उसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर यानी थर्ड है, थर्ड के अंदर कई टॉपिक्स दिए गए हैं, तो दोस्तों इसमें आपको पढ़ना है ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, यानी जो ग्लूकोमा डिसीज़ होती है, जो मोतियाबिंद डिसीज़ होती है, तो दोस्तों उसके ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर थर्ड से। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर फोर कोलोजी का, जो आपका चैप्टर नंबर फोर है उसमें आप एंटी कन्वलजेंट ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, जनरल एनेस्थेटिक और सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। तो ये 4 टॉपिक को पढ़ना है, मतलब चैप्टर नंबर फोर से। आप अपने सिलेबस में टिक लगाते चलिए, जिससे जो है आपको आसानी हो जाएगी और उन्हीं टॉपिक को आप बार बार लगातार पढ़ते रहें। फिर आता है चैप्टर नंबर फाइव फार्माकोलॉजी के अंदर, तो 5 चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कई क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, मतलब हाइपरटेंसिव के बारे में भी पूछ लेगा और साथ में एंजाइनल भी पूछ लेता है। तो आपको
एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसको बिल्कुल जो है अवॉइड नहीं करना है, 100% पढ़ के जाना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और एंटी एंजाइनल ड्रग को भी पढ़ना है, एंटी एरिथमिक ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, यानी शॉक के लिए क्या थेरेपी हमने बताई थी अपनी वीडियो में, हमने पूरा डिफाइन किया है, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं फार्माकोलॉजी का, जो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 है, मतलब इसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है आपको एंटी कोगुलेंट और दूसरा पढ़ना है हिमेटिनिक एजेंट के बारे में। तो आपका ये चैप्टर नंबर 6 हो गया। और चैप्टर नंबर 7 क्या है, देखिए चैप्टर नंबर 7 में आपको ब्रोंकोडायलेटर के बारे में पढ़ लेना है, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीट्रसिव, क्योंकि आपके टॉपिक तो बहुत ज़्यादा दिए होते हैं आपके चैप्टर के अंदर, लेकिन जो हम आपको टॉपिक बता रहे हैं आप उन पर टिक लगा लेंगे, तो दोस्तों उन्हीं टॉपिक को आप बार बार लगातार पढ़ते रहेंगे। और जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ना है एंटी अल्सर ड्रग के बारे में पढ़ लेना है, यानी जो एंटी अल्सर ड्रग होती हैं, लैक्सेटिव एंड पर्गेटिव के बारे में आपको शॉर्ट में देख लेना है, और एंटी इमेटिक, यानी इसमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटी इमेटिक टॉपिक है, इसको अवॉइड नहीं करना है और अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम के अंदर जाना है आपको। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें टॉपिक आपके दिए हुए एंटी डायुरेटिक्स ड्रग और डायुरेटिक्स ड्रग। तो दोस्तों आपको डायुरेटिक्स ड्रग, यानी आपने फर्स्ट ईयर में भी डायुरेटिक्स के बारे में पढ़ा है, तो आपको नॉलेज पहले से ही होगी और ड्रग के बारे में भी नॉलेज होगी। तो दोस्तों डायुरेटिक्स वाले टॉपिक को पूरा डिफाइन अच्छे से कर देना है, फिर क्लासिफिकेशन उसका पढ़ना है, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फिर डोज, फिर उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन। तो इतने टॉपिक के जो है प्रॉपर आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और दोस्तों क्योंकि हमको केवल इम्पॉर्टेंट बताना है, तो इसीलिए दोस्तों हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि आप अपने सिलेबस में टिक लगाते चलेंगे तो बस आपको आसानी हो जाए, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी तो पढ़ाना नहीं है, ओनली आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताना है कि आप कौन कौन से टॉपिक अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना अच्छे से, मतलब आपके एग्ज़ाम के जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लगभग 2 मंथ बचे हुए हैं, यानी 2 महीने बचे हुए हैं, उसमें जो है आप अच्छे से तैयारी करेंगे और सब्जेक्ट को प्रॉपर तैयार कर लेंगे। और जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनका भी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिया है, तो आपने नहीं देखा है तो जो देव फार्मेसी का जो चैनल है उसमें आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, उसमें लिखा होगा डी फॉर्म सेकेंड ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी क्वेश्चन, तो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, लेकिन आपको पढ़ना कितना है, इतना टॉपिक पढ़ना है केवल थायराइड हार्मोन के बारे में, ओरल हाइपोग्लाइसमिक एजेंट, इंसुलिन के बारे में पढ़ना है, कोर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी थायराइड के बारे में पढ़ लेना है, बस आपको चैप्टर नंबर 10 में इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर जो आपका 11 है, चैप्टर नंबर 11 में हमने क्वेश्चन वाइज लिखा हुआ है, जैसे आपका डिफाइन एंटी हिस्टामिन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूज़ एंड एडवर्स इफेक्ट, कि एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं उनके बारे में लिखना है, उनका क्लासिफिकेशन और क्लिनिकल यूज़ एंड एडवर्स इफेक्ट लिखने हैं। और शॉर्ट में आपका कभी कभी पूछ लेता है डिफाइन प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इस प्रकार से भी पूछ लेगा कि डिफाइन प्रोस्टाग्लैंडिन, अगर ऐसे नहीं पूछता तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। उसके बाद दोस्तों डिफाइन हिस्टामिन, यानी हिस्टामिन क्या होता है उसके बारे में आपको यानी लिखने को पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 11 का। फिर आपका चैप्टर नंबर 12 और 13 आता है, तो 12 और 13, 12 चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इससे टॉपिक पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको ट्यूबरकुलोसिस वाला जो टॉपिक है, ट्यूबरकुलर एजेंट वाला, इसको पढ़ना है, एंटीवायरल पढ़ के जाना है, फंगल पढ़ना है, एंटी मलेरियल पढ़ना है, सल्फोनामाइड पढ़ना है, एंटी नियोप्लास्टिक और पेनिसिलिन, क्योंकि दोस्तों इतने टॉपिक अगर नहीं पढ़ेंगे तो अगर आपका सल्फोनामाइड्स पूछ लेगा तो आप क्या डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसमें एक दो थोड़ी ना बता देंगे कि आप एंटी ट्यूबरकुलोसिस पढ़ लीजिए और पूरा चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके इतना ज़्यादा टॉपिक दिया गया है तो इसमें से लगभग आधे टॉपिक तो आपको पढ़ने ही होंगे, एक बार उनको अच्छे से देखना ही होगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 आपका बहुत छोटा है, इसमें आप इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, जो आपके बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं उनके बारे में एग्जाम्पल के साथ में उनके इंडिकेशंस को पढ़ लेंगे, इसको हमने पूरा प्रॉपर जो है अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड किया है। तो फार्माकोलॉजी का जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको हमने अच्छे से बताया कि फार्माकोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों
इतना पीडीएफ जो है, अगर आप अपने यानी जो सिलेबस दिया गया उसमें टिक लगाकर पढ़ेंगे तो आपका जो टाइम है उस टाइम में आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, और उसके बाद दोस्तों मल्टीपल चॉइस हम इसके कंप्लीट करा देंगे और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।